हेलो गाइस, आपका स्वागत है फार्मिंग सिमुलेटर 20 में बस लोगोमिंग चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कि अपने जो सीरीज चल रही है 15 कॉटन बेल्स की, जो 50 कॉटन के बेल्स हम बनाने वाले हैं, वो सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। और आज हम बेल्स कलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि मैंने आगे इसमें हार्वेस्ट किया था और अभी मैंने कलेक्ट का वीडियो बनाया था यार एक आगे, लेकिन उसमें एरर आने की वजह से वो फाइल एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाई और वो ऐसे ही डिलीट हो गई। इसलिए मैं वापस से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एक बेल्स हमने बाकी रखी है क्योंकि उसको मैं उठा के आपको दिखाने वाला हूँ कैसे उठती है बेल्स, वरना वो सब बाकी सब 11 बेल्स निकली थी टोटल। मैंने 11 बेल्स वहाँ पर इकट्ठी भी कर दी थी, सबको एक साथ मैंने वहाँ पर लगा दिया था, लेकिन अभी अपनी एरर की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई। इसलिए हम वापस शूट कर रहे हैं। एक बेल को मैं इधर ले आया हूँ वापस उधर से, ताकि अगर मैं सबको वापस से बिखेरता सभी खेतों में तो बहुत टाइम चला जाता। इसलिए मैं अब इसको एक को उठाऊंगा और फिर वहाँ आपको बताऊंगा कैसे रखते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास ज़्यादा बेल्स नहीं है, क्योंकि 11 बेल्स थी हमने वो ख़त्म कर दी वहाँ पर सेटअप करके। तो देखो ये बेल्स ऐसे उठती है अंदर, ये बेल्स देखो अंदर चली गई। इसमें दो बेल्स आती है, बड़ी वाली ट्रॉली है, ये मॉड्यूल एक्स करके लिजार्ड की है, मॉड्यूल एक्स की। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहला तो स्टोरेज का ख्याल रखना चाहिए, जो कि मेरे मोबाइल में अभी 3 GB ही खाली है, उससे ज़्यादा तो मेरे फ्री स्पेस नहीं है, क्योंकि अभी मेरे काम के वीडियोस सभी अभी इसमें पड़े हैं। जैसे ही मैं अपने सिस्टम में डाल दूंगा इसकी स्टोरेज खाली हो जाएगी, उसके बाद हम वापस से उसको कर सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि अभी इसमें एक ही बेल्स है तो हम यहाँ पर इसको लगा देंगे, इसे हम खाली नहीं करेंगे। और खाली करने में कोई यार ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं अगले पार्ट में आपको दिखा दूंगा कैसे खाली करते हैं। अभी सिर्फ इसको यहाँ पर सेटअप किया और इसको यहाँ से ट्रॉली को निकाला और फिर इसको रीसेट कर देंगे। यहाँ पर हम ऐसे रीसेट करेंगे तो वो खाली हो जाएगी अपनी ट्रॉली, लेकिन आज हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि अपने बेल्स अभी यहाँ पर आ गई थी, 11 बेल्स तो हमने निकाली थी, वो 11 बेल्स आ गई थी। अभी हम इसको देखते हैं कि आगे हम कल्टीवेट करने वाले हैं चौथे पार्ट में, चौथे पार्ट में कल्टीवेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वापस से प्लांट करूंगा और वापस से जैसे काटेंगे उसके बाद मैं आपको इकट्ठा करके दिखाऊंगा। वो वीडियो थोड़ा छोटा बनाऊंगा ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसमें दिक्कत आ गई थी इसलिए अपना ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाया वीडियो, वरना तो वो भी एक्सपोर्ट हो ही जाता, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो पाया वो वीडियो। खैर कोई नहीं यार, ऐसा तो चलता रहता है। चलो अब तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं आपको यही बताने आया था वापस वीडियो बना के, क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं डालता तो अपना जो सीरीज चल रही है वो उसमें एक पार्ट अधूरा रह जाता कि कलेक्ट कैसे करते हैं, तो मैंने वो कलेक्ट करके दिखा दिया। अब रीशेट में वापस वीडियो बनाऊंगा उसमें करूंगा, क्योंकि इसमें यार वीडियो डिलीट हो गया तो मेरी भी कोई उसमें मजबूरी है, क्योंकि वीडियो नहीं आया तो उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, आप भी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप वीडियोस देखो और मजे मजे करो। चलो बाय बाय।